नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस 21391 के लिए मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं। उसी क्रम में आज जो वीडियो है उसमें साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न, वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका प्रबल संभावना है कि एग्जाम में आएगा, उन प्रश्नों को मैं उठा करके लाया हूँ, निचोड़ करके लाया हूँ आप लोगों के लिए। अगर इन मात्र 30 प्रश्न ही हैं, लेकिन यह गारंटी है इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा और यह गारंटी है एग्जाम के बाद आप इसमें से मिलाइएगा, आपको 1 से 2 प्रश्न निश्चित ही देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि बिहार पुलिस में साइंस से बहुत बढ़िया संख्या में प्रश्न पूछा जाता है और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिहार पुलिस हो, बिहार सब इंस्पेक्टर हो, बिहार SSC हो, मतलब मिलना निश्चित है। तो इस वीडियो को देखिए और इसका PDF भी प्राप्त कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपका 10 से 12 मिनट का समय लगेगा और 1 से 2 नंबर आपका सुनिश्चित हो जाएगा। तो बिल्कुल भी इत्मीनान से, शांति से इस वीडियो को देखें और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। कैसे PDF प्राप्त करना है मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊँगा, तब तक मैं क्लास को शुरू करता हूँ। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए पहला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से कितने डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, भले ही आपको लग रहा होगा लेंदी, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से कितने डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर फेंकना चाहिए, तो वह हो जाएगा 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। या आप कोई ईंट पत्थर लीजिए तो कितना डिग्री पर फेंकें कि सबसे ऊंचाई प्राप्त करे वह, तो वह हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, याद रखिएगा। चलिए, पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने की थी? पाई, जिसका मान आप 22/7 पढ़ते हैं ना, उसी पाई की बात की जा रही है कि पाई का जो मान है उसकी गणना सर्वप्रथम किसने करी थी, तो आर्यभट्ट। जी हाँ, आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का भी आविष्कार किया, उन्होंने ही पाई के मान की सबसे पहले गणना करी थी, आर्यभट्ट ने। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। विस्थापन हो सकता है, विस्थापन कितना हो सकता है? शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक में भी हो सकता है और धनात्मक में भी हो सकता है। कपड़ा सुखाने की मशीन जो है वह कार्य करता है, तो कपड़ा सुखाने का जो मशीन है वह अपकेंद्रीय बल। देखिए यहां पर 2 प्रश्न बनता है, एक अपकेंद्रीय से और एक अभिकेंद्रीय से। तो अपकेंद्रीय बल पर जो है वह कपड़ा वाला मशीन कार्य करता है, याद कैसे करेंगे? देखिए आपको मैं एक साधारण ट्रिक बता दे रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय, तो देखिए कप और आप, ये दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कपड़ा यानी कप और आप यानी अपकेंद्रीय, तो ये दोनों ऐसे याद कर लिया, कपड़ा अपकेंद्रीय, ऐसे करके याद कर, कप अप, ओके। चलिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब, अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं जैसे पहाड़ों पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? तो ऊपर जा रहे हैं तो वायुमंडलीय दाब जो है वह कम जाएगा, प्रेशर जो है वह कम जाएगा, ठीक ना। तो ये भी चीज ध्यान रखना है, पूछता है अपेक्षित घनत्व का मात्रक होता है, तो अपेक्षित घनत्व जो है वह केवल एक अनुपात है, केवल एक अनुपात घनत्व जो है वह एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या है, यह बढ़िया प्रश्न है। तो पृष्ठ तनाव का SI मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर, जी हाँ, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है, ध्यान दीजिएगा। गर्मियों में लोलक घड़ी की जो लंबाई है वह, तो गर्मियों में जो लोलक घड़ी की लंबाई है वह बढ़ जाती है। 9 नंबर प्रश्न, वह तरंग कहलाती है जब तरंग की दिशा, तरंग गति की दिशा के माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समानांतर होती है, तो क्या कहलाती है? वह कौन सी तरंग है जो अपने तरंगों की दिशा के समानांतर ही उसकी गति भी होती है? तो वह है अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग, ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न पूछता है बच्चों, यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल को हम कह सकते हैं, तो पिंड की चाल को हम लोग पराध्वनिक चाल या सुपरसोनिक कहेंगे, है ना, सुपरसोनिक या
पराध्वनिक चाल हम लोग कहेंगे। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है, तो किसी माध्यम में जो ध्वनि की चाल है वो माध्यम की प्रत्यास्था और माध्यम की डेंसिटी यानी घनत्व पर निर्भर करती है, दो चीजों पर, प्रत्यास्था और उसके घनत्व पर निर्भर करती है, तो ध्यान देना है। चमगादड़ तथा कुत्ते जो है वह सुन सकते हैं, तो चमगादड़ और कुत्ता जो है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि भी सुन सकता है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज को कैसे लिखा। अब एग्जाम में देखिए आपसे लिख देगा कि कुत्ता सुन सकता है 20 के हर्ट्ज, तो आप कहेंगे अरे 20 तो आदमी सुनता है, 20 से 20,000, आप ये के नहीं देख रहे हैं, के मतलब हजार है ना, तो के मतलब हजार का मतलब है कि 20, यहां से देखिए आदमी का सुनना क्या है 20 हर्ट्ज से 20 के यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक, और कुत्ता जो है इसके ऊपर भी सुन लेगा, तो ऊपर सुन लेता है कुत्ता है ना, तो ध्यान रखिएगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर भी सुन लेगा। पराश्रव्य तरंग या अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडा होने की दर जो है वह कमती जाएगी, यह कैसे पता चलता है, तो यह न्यूटन के शीतलन नियम से यह पता चलता है कि वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती है उसके ठंडा होने की जो दर है वह घटती जाती है। 14 नंबर प्रश्न, एक सफेद तथा एक काली वस्तु को एक ही ताप पर गर्म करके एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है तो काली वस्तु जो है वह अधिक चमकती दिखाई देती है, यह किरचॉफ का नियम है। ओके, ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ का नियम है कि काली वस्तु अधिक चमकीली दिखाई देगी। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि से होता है, आपको पता है कि अगर कोई ठोस चीज है इसमें ऊष्मा का जो संचलन होगा तो वह कैसे होगा, चालन विधि से होगा, ध्यान दीजिएगा। ऊष्मा के चालन में किस विधि से सबसे अधिक ऊष्मा का क्षय होता है, जैसे चालन विधि, ऑप्शन दे दे, चालन विधि, संवहन विधि, ऐसे करके, तो आपको पता है कि संवहन विधि में सबसे ज्यादा ऊष्मा क्षय होती है। किसने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, ध्यान दीजिएगा। किसने यह दर्शाया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है, आपको पता है कि वायु में प्रकाश की चाल जो है वह लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो निर्वात में है उसी से थोड़ा सा कम है ना, हम लगभग बता रहे हैं, निर्वात में है 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, उससे थोड़ा सा कम है वायु में, ठीक। तो किसने यह बताया कि वायु में जो प्रकाश की चाल है वह जल से अधिक है या जल में जो प्रकाश की चाल है वह वायु से कम है, तो यह फूको नामक वैज्ञानिक ने बताया, किसने, फूको ने। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे नोबेल पुरस्कार वर्ष 1930 में प्रदान किया गया, तो सीवी रमन को इसके लिए प्रदान किया गया है, प्रकाश के प्रकीर्णन हेतु इनको 1930 में दिया गया है, ध्यान देना है। इस दर्पण का उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किया जाता है, आपने देखा है जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपके बगल में दो मिरर लगा होता है, वह कौन सा मिरर होता है, तो वह उत्तल दर्पण होता है, कौन सा, उत्तल दर्पण, तो यह ध्यान देना है। डायोड वाल्व, वाल्व नहीं, वाल्व, वाल्व जो होता है, तो डायोड वाल्व यह करता है काम, क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है, किसको, एसी को डीसी में बदल देता है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड का आविष्कार किसने किया था, निक होलोन्याक ने, जी हाँ, एलईडी का आविष्कार निक होलोन्याक ने किया था, ध्यान दीजिए। सौर सेल कार्य करता है फोटोडायोड सिद्धांत पर, सौर सेल जो है वह कार्य करता है किस पर, फोटोडायोड सिद्धांत पर, ध्यान दीजिएगा, सौर सेल फोटोडायोड सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए 24 नंबर, कैथोड किरणों का वेग होता है तो प्रकाश के वेग का 1/10, कैथोड किरणें जो होती हैं उनका वेग क्या होता है, तो प्रकाश का जो वेग है उसका 10वां भाग कैथोड किरणों की वेग होती है। 25 नंबर, सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किसने बताया था, तो सबसे पहले जो नाभिकीय विखंडन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रॉसमैन तथा हॉर्न के द्वारा बताया गया, किसके द्वारा, स्ट्रॉसमैन तथा हॉर्न के द्वारा यह बताया गया है। रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम तथा बोरोन के छड़ का प्रयोग किया जाता है, किसका, कैडमियम तथा बोरोन के छड़ का प्रयोग रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। चलिए 27 नंबर,
सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया? सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर जो है वह प्रोफेसर फर्मी, एनरिको फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में, किसके? प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। 28 नंबर, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे पूछता है कि सूर्य के ताप को ज्ञात करने के लिए, तो पायरोमीटर भी ध्यान दीजिएगा, पायरोमीटर। ओके, चलिए 29 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में तीसरा प्रमुख तत्व है, सर्वाधिक जो मात्रा में पाया जाता है, तीसरा प्रमुख तत्व, तत्व की बात की जा रही है, तो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ऐसे तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वह है एल्युमिनियम। पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन और तीसरा जो है एल्युमिनियम है। सबसे ज़्यादा मात्रा तत्व में ऑक्सीजन की, फिर सिलिकॉन की, फिर एल्युमिनियम की, ध्यान देना है। 30 नंबर प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। देखिए, मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि सारे प्रश्न VVI हैं, एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। तो इनका PDF आप ले लीजिएगा, अभी मैं बताऊंगा 30वां क्वेश्चन कराने के बाद। तो कास्टिक सोडा जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र तो NaOH, एन ए से सोडियम और OH से हाइड्रोक्साइड, है ना, तो ध्यान दीजिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 30 प्रश्न जो थे अति महत्वपूर्ण थे, आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए, अच्छा लगे या ना लगे, एग्जाम में आपको तो इन्हीं से मुकाबला करना है, यहाँ भले आप बच के भाग जाएं, लेकिन जब एग्जाम आएगा तो इनसे मुलाकात होगी ही होगी, इसलिए इन सारे प्रश्नों को बढ़िया से देख लें। इसका PDF कैसे मिलेगा मैं बता रहा हूँ, इसका PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और निःशुल्क आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। दो तीन बातें मैं और बता दूं कि अब कल से ही हमारे चैनल पर आपको रेगुलर क्लास, जो सब्जेक्ट वाइज रुका हुआ था, सब्जेक्ट वाइज भी मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैराथन क्लास भी देना शुरू करूँगा। और हाँ, आप लोग की बहुत डिमांड थी कि सर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको, जो मैं आपको हिस्ट्री का कराया था, तो आप लोगों ने कमेंट किया कि सारे सब्जेक्ट का कराइए, तो मैं अब सब सब्जेक्ट का आपको करा करके दे दूंगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिहार पुलिस का रिजल्ट कराने में मैं आपका पूर्णतः सहयोग करूंगा, गारंटी है, अगर आप ईमानदारी से यहां लगे रहे तो एक सीट आपका सुनिश्चित हो जाएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।